नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। हाफिज सईद की गीदड़ भभकी के बीच कल राजनाथ करेंगे पाकिस्तान का दौरा। सार्क सम्मेलन में होंगे शामिल। नहीं होगी भारत पाक में द्विपक्षीय वार्ता। 75 की एज लिमिट में खिसकी आनंदीबेन की कुर्सी। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में विजय रूपाणी या नितिन पटेल पर बन सकती है सहमति। किसी एक को चुना जा सकता है गुजरात का अगला सीएम। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर अटैक। ट्वीट कर कहा, गुजरात की बर्बादी के लिए मोदी जिम्मेदार। आनंदीबेन बनी बलि का बकरा। शराबबंदी पर नीतीश कुमार ने जताया जान का डर। कहा, कुछ भी कर सकते हैं माफिया। किसी भी सूरत में बिहार को नशा मुक्त राज्य बनाकर लूंगा दम। और 16 साल बाद रास्ते पर जीएसटी। कल राज्यसभा में पेश होगा बिल। 35% टैक्स घटकर होगा 18%। हर तरह की सर्विसेज होंगी महंगी। गुजरात की सीएम आनंदीबेन पटेल के इस्तीफे के ऐलान के साथ ही विरोधियों ने बीजेपी और पीएम मोदी को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर पीएम मोदी पर हमला बोला। राहुल ने गुजरात के हालात के लिए पीएम मोदी को जिम्मेदार ठहराया, जबकि आनंदीबेन को बलि का बकरा बताया। राहुल ने ट्वीट कर कहा कि गुजरात के हालात के लिए आनंदीबेन के 2 साल नहीं बल्कि मोदी जी के 13 साल जिम्मेदार है। बलि का बकरा बीजेपी को नहीं बचा सकता। आनंदीबेन ने फेसबुक पर एक पोस्ट के जरिए कहा है कि वो मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी से हटना चाहती है। गुजरात कांग्रेस नेता शंकर सिंह वाघेला ने कहा कि अगर वो इस्तीफा देना चाहती थी तो उन्हें 1 महीने पहले बताना चाहिए था। गुजरात में बीजेपी बेनकाब हो गई है। ये सहानुभूति प्राप्त करने के लिए ड्रामा है और ये लोगों का ध्यान भ्रष्टाचार से हटाने के लिए किया गया है। राज्य में कोई कानून व्यवस्था नहीं है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह सार्क सम्मेलन में शामिल होने के लिए बुधवार को पाकिस्तान रवाना होंगे। वे गुरुवार को सार्क गृह मंत्रियों की बैठक में भी शामिल होंगे। गृह मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि राजनाथ सिंह के दौरे के दौरान भारत पाकिस्तान की द्विपक्षीय बातचीत नहीं होगी। सूत्रों ने बताया कि पठानकोट हमले को लेकर भारत पाकिस्तान से कोई अलग से बातचीत नहीं करेगा और ना ही पड़ोसी देश को कोई डोजिया सौंपा जाएगा। सार्क सम्मेलन में सभी सदस्य देश आतंकवाद, ड्रग्स और वीजा मामलों पर चर्चा करेंगे। गुरुवार को राजनाथ सिंह सार्क गृह मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। इस दौरान भारत पाकिस्तान के गृह मंत्रियों का आमना सामना होगा, लेकिन दोनों के बीच कोई द्विपक्षीय मुलाकात नहीं होगी। गुजरात की पहली महिला सीएम आनंदीबेन पटेल के इस्तीफे देने की पेशकश के साथ ही चर्चा शुरू हो गई कि अब राज्य का नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा। पिछले दिनों जिस तरह आनंदीबेन को सीएम पद से हटाए जाने की खबरों ने जोर पकड़ा था, तभी ये तय हो गया कि आनंदीबेन के नेतृत्व में 2017 के विधानसभा चुनाव नहीं लड़े जाएंगे। ऐसी स्थिति में बड़ा सवाल यही है कि आनंदीबेन का उत्तराधिकारी कौन होगा। सियासी गलियारे में इस पद के दावेदार के लिए कुछ नामों पर चर्चा चल रही है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री बनने के रेस में सबसे ऊपर गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष विजय रूपाणी का नाम लिया जा रहा है। दरअसल विजय रूपाणी के लिए कहा जाता है कि संगठन में उनकी अच्छी पकड़ है। वही दूसरा नाम नितिन पटेल का आ रहा है। नितिन पटेल एक तो पाटीदार समुदाय से आते हैं, साथ ही वो लंबे वक्त से सरकार में मंत्री बने हुए हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के यूपी में पहले चुनावी मेगा शो की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में सोनिया गांधी रोड शो के बाद बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन कर यूपी फतेह के मिशन का आगाज करेंगी। रोड शो के दौरान सोनिया गांधी काशी की जनता से सीधा संवाद करेंगी। रोड शो सर्किट हाउस से इंग्लिशिया लाइन के लिए दोपहर बाद शुरू होगा। इस बारे में सोमवार शाम प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर, सीएम पद की उम्मीदवार शीला दीक्षित, पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद और राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी ने पत्रकारों से बातचीत में 27 साल में यूपी की बदहाल तस्वीरें उकेरी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने लोकसभा में कहा कि सऊदी अरब में बेरोजगार हुए 10,000 भारतीय श्रमिकों को स्वदेश वापस लाने के लिए सरकार सभी प्रयास कर रही है। वो शिविरों में उन्हें भोजन उपलब्ध करा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि वापसी की प्रक्रिया शुरू करने के लिए विदेश राज्य मंत्री वी के सिंह आज सऊदी अरब जाएंगे। सुषमा स्वराज ने कहा, मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि सऊदी अरब में बेरोजगार हुआ कोई भी श्रमिक भोजन के बिना नहीं रहेगा।
मैं घंटे घंटे स्थिति की निगरानी कर रही हूँ। मैं संसद को ये बताते हुए संतोष महसूस कर रही हूँ कि सभी 5 शिविरों में अगले 10 दिनों के लिए राशन वितरित कर दिया गया है। हालांकि ये समस्या का स्थायी हल नहीं है। फैक्ट्रियां बंद कर कंपनियां भाग गई हैं। हम अपने श्रमिकों को वहां नहीं छोड़ सकते हैं। मैंने उनके विदेश विभाग और श्रम विभाग में संपर्क किया है। हमने वहां के विदेश विभाग से कहा है कि वे श्रमिकों को सऊदी अरब से वापस लाने के लिए हमको अधिकृत करें। संसद का मानसून सत्र अब तक हंगामेदार रहा है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदन में किसी न किसी मुद्दे पर लगातार सत्ता और विपक्ष आमने सामने हैं। वहीं इन सब के बीच केंद्र सरकार आज की बजाय बुधवार को राज्यसभा में चर्चा के लिए जीएसटी बिल पेश करेगी। ये परिवर्तन विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद के वाराणसी में होने का कारण किया गया है। वही बीजेपी ने अपने सभी सांसदों के लिए व्हिप भी जारी किया है। बता दें कि कांग्रेस ने विधेयक में 3 बिंदुओं पर अपना विरोध दर्ज किया था, जिसको ध्यान में रखते हुए पिछले दिनों बिल में 4 संशोधन किए गए हैं। इनमें कांग्रेस की मांगों को मान लिया गया है। जानकारी के मुताबिक सरकार ने बिल पर सभी दलों से परामर्श की प्रक्रिया पूरी कर ली है। मोदी सरकार को पूरा भरोसा है कि वो बिल पर सदन में जरूरी 2/3 बहुमत पालेगी। 22 जुलाई को बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गायब हुए AN-32 विमान का अभी तक कोई पता नहीं लग पाया है। विमान की तलाश में जुटे बचाव दल के मुताबिक अधिकतर विमानों में पानी के नीचे होने पर उसका पता बताने वाला यंत्र अंडर वाटर लोकेटर लगा होता है, लेकिन ये यंत्र इस विमान में नहीं लगा है, जिसकी वजह से इसे खोजने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। विमान की तलाश में जुटे बचाव दल के मुताबिक अधिकतर विमानों में पानी के नीचे होने पर उसका पता बताने वाला यंत्र अंडर वाटर लोकेटर लगा होता है, लेकिन ये यंत्र इस विमान में नहीं लगा है, जिसकी वजह से इसे खोजने में काफी मशक्कत करनी पड़ी है। खोजबीन में लगे बचाव दल के मुताबिक 29 सैन्य अधिकारियों को ले जा रहे विमान AN-32 के बंगाल की खाड़ी में समा जाने की आशंका है। जानकारी के मुताबिक सैनिकों व रक्षा सामग्री ले जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले इस विमान में पानी के नीचे रहने पर पता लगाने वाला यंत्र नहीं लगा था। रक्षा सूत्रों का कहना है कि विमान की तलाश में पनडुब्बी जहाज और अन्य कई चीजें लगी हुई हैं। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने नरसिंह यादव को डोपिंग मामले में क्लीन चिट दे दी है। नाडा ने पाया कि रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके पहलवान नरसिंह साजिश के शिकार हुए। नाडा के बरी किए जाने के बाद नरसिंह के रियो जाने का रास्ता साफ हो गया है। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह ने साफ कर दिया है कि नरसिंह रियो जाएंगे। सोमवार को नरसिंह को क्लीन चिट मिलते ही नाडा के बाहर खड़े उनके प्रशंसकों में खुशी की लहर फैल गई। प्रशंसकों ने नाडा के गेट के बाहर जमकर डांस किया और लड्डू बांटे। वहीं नरसिंह ने कहा कि मैं बहुत खुश हूं और ओलंपिक में पदक जीतने की उम्मीद लगाए हूं। सच्चाई की जीत हुई, ये सुनिश्चित करेगा कि किसी अन्य खिलाड़ी के साथ ऐसा कुछ नहीं हो, ये बड़ी जीत है। नरसिंह ने कहा, मैं जानता था कि मैं सही हूं और मुझे न्याय मिलने का पूरा भरोसा था। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने शराबबंदी पर अजीबोगरीब बयान दिया है। नीतीश कुमार ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि बिहार में शराबबंदी करने का मतलब बिरनी के छत्ते में हाथ डालना है, इसमें कुछ भी हो सकता है। हालांकि उन्होंने कहा कि शराबबंदी के मसले पर वो अडिग है, किसी भी सूरत में बिहार को नशा मुक्त राज्य बनाकर ही दम लेंगे। नीतीश कुमार को शराब माफिया की मजबूत लॉबी से कड़ी टक्कर मिल रही है। उन्होंने कहा कि नए संशोधित कानून में कुछ और बातें जोड़ी गई हैं ताकि इस कानून को सख्त बनाया जा सके और शराब की तस्करी पर लगाम लग सके। उन्होंने अपने इस मुहिम को समाज सुधार की तरफ बढ़ता कदम बताया। बुलंदशहर गैंगरेप का पीड़ित परिवार शर्मिंदगी और लोकलाज के कारण खोड़ा स्थित घर छोड़ दिया। पीड़िता किशोरी के पिता, जो ओला कैब चालक है, उन्होंने बताया कि घटना के बाद जब वे यहां पहुंचे तो उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वे घर जाएं। घर जाकर वे अपने पड़ोसियों से आंख कैसे मिलाएंगे। इतना ही नहीं, इस घटना के बाद जब वे अपने एक दोस्त के घर गए तो उनके दोस्त ने उन्हें व उनके परिवार को अपने घर पर पनाह देने से साफ इनकार कर दिया। हालांकि मौजूदा समय में वे अपने एक जानने वाले के यहाँ ही रुक रहे हैं। घटना से सहमी उनकी बेटी ने 2 दिन से खाना नहीं खाया, उसकी हालत काफी गंभीर है। वही पीड़िता के पिता आरोपियों पर सख्त कार्रवाई ना होने पर पुलिस को खुदकुशी का अल्टीमेटम दिया है। नौकर से अप्राकृतिक सेक्स करने के मामले में मध्य प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री राघव जी पर भोपाल कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। राघव जी पर धारा 377 और 506 के तहत मामला चलाने के आदेश दिए गए हैं। मामले में अगली सुनवाई 12 अगस्त को तय की गई है। राघव जी ने 2013 में अपने सरकारी आवास में रहने वाले युवक के साथ अप्राकृतिक सेक्स किया था।
इस घटना की सीडी सामने आने के बाद प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया था। सीडी सामने आने के बाद राघव जी को इस्तीफा देना पड़ा था। मामले के उजागर होने के बाद राघव जी के साथ शिवराज सरकार की भी खूब किरकिरी हुई थी। यहां तक कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर कार्रवाई में देरी को लेकर उंगलियां उठी थी। बाद में शिवराज ने उनसे इस्तीफा लेकर विवाद से किनारा कर लिया था, जिसके बाद राघव जी की गिरफ्तारी को हिफिसा से हुई थी। भारत में विदेशी पर्यटकों पर कुख्यात आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के लोन वुल्फ का खतरा था। संदिग्ध IS आतंकी की पूछताछ में ये खुलासा हुआ है। IS के ऑनलाइन रेडिकलाइज आतंकियों की निगाह विदेशी पर्यटकों पर थी। वे अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा और इजराइल के पर्यटकों को निशाना बनाना चाहता था। NIA की पूछताछ में IS के संदिग्ध आतंकी मोहम्मद मसीउद्दीन उर्फ मुसा ने खुलासा किया कि कोलकाता में मदर टेरेसा और डल झील पर उसने रैकी की थी। उसे चाकू से हमला करने के लिए कहा गया था। पश्चिम बंगाल के वर्धमान से हाल ही में मूसा को 3 अन्य आतंकियों के साथ गिरफ्तार किया गया था। लोकेश राहुल के बाद अजिंक्य रहाणे के शानदार शतक के दम पर 300 से ज्यादा की बढ़त बनाने के बाद टीम इंडिया ने अपनी पहली पारी घोषित कर दी है। तीसरे दिन के खेल होने से पहले उमेश यादव का विकेट गिरते ही लगातार बारिश के कारण मैच में बाधा पड़ गई और भारत ने अपनी पहली पारी 9 विकेट पर 500 रन पर घोषित कर दी। टीम इंडिया को पहली पारी के आधार पर 304 रनों की बढ़त मिली है। आज के खेल में रहाणे ने भी शानदार शतक ठोक दिया। उन्होंने चौके से ये शतक पूरा किया। वे 108 रन बनाकर नाबाद रहे। विंडीज की ओर से रोस्टन चेस ने शानदार गेंदबाजी की और 5 विकेट झटक लिए। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने अपनी कारों की कीमतों में इजाफा कर दिया है। कंपनी ने बताया कि तुरंत प्रभाव से सभी मॉडल की कीमतों में 20,000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इससे पहले जुलाई महीने में कंपनी की कुल बिक्री में 12.7% की बढ़ोतरी हुई है। कंपनी ने इस दौरान 1,37,116 कारों की बिक्री की, जबकि पिछले साल इसी महीने में कुल 1,21,712 की बिक्री हुई थी। कंपनी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल रिपोर्ट में कहा कि जुलाई में कंपनी ने अब तक की सर्वाधिक घरेलू बिक्री की, जो कि कुल 1,25,778 इकाई की रही, जो कि पिछले साल के इसी महीने की कुल 1,10,405 इकाई के मुकाबले 13.9% अधिक है। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में, आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। तब तक के लिए नमस्कार।